हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज आ गए हम लोग नए ब्लॉग के साथ। आज एक स्पेशल दिन है, आज मेरी वाइफ तानिया का बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू गाइस। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज तानिया को कमेंट में विश जरूर कीजिए। और आज थोड़ा सा डिफरेंट ब्लॉग है, आज हम लोग कहीं जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं ये अभी मैं नहीं बताऊंगा। आप लोग साथ में बने रहिए, आप लोग को एंड तक वीडियो में बने रहिएगा तो ही पता चलेगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ये आप लोग के लिए एक सरप्राइज है। सो गाइस, हम लोग आ गए हाईवे पे अब। तो ये है आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आपको दिखाते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बताएंगे कैसा है ये रूट। ये पहली बार मैं हम लोग इस रूट पे सफ़र करेंगे, तो बने रहिए और बताते हैं आप लोग को कैसा है ये। तो गाइस, हम लोग आ गए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में और एकदम खाली खाली लग रहा है। तो पहली बार हम लोग का यहाँ पे एक्सपीरियंस रहेगा, मैं देखना चाहता हूँ कैसा है कैसा नहीं है। सुना तो बहुत है इसके बारे में, बहुत बढ़िया है, तो मज़ा आएगा। चलिए बने रहिए। और सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना एंड वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एक चीज मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा, जो मेरे सामने एक स्विफ्ट गाड़ी जा रही है, इसका अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इसने अपना साइड मिरर बंद करके रखा हुआ है। बहुत ही गलत तरीका है ये चलाने का, पता नहीं लोग कैसे चलाते, वो भी हाईवे पे आके इतने इररिस्पॉन्सिबली ये चला रहे। तो गाइस, हम लोग का पहला टोल आ गया है, देखते हैं यहाँ पे कितना लगता है। गाइज, उसके पहले अगर आप लोग को पता हो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, गेस कर सकते हो तो कमेंट करके हमें बताओ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है और सही आंसर दे पाता है। तो टोल क्रॉस हो गया है, अब मुझे नहीं लगता इसके बाद अगले 100 किलोमीटर तक कोई टोल है यहाँ पे। कितना लगा टोल में? ये तो फास्टैग से कट गया है तो बता नहीं सकता कितना लगा है। छोटा सा एक ढाबा है यहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में, देख सकते हैं। बट हम लोग रुकेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट निकले घर से, तो रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्या कहती हो? हाँ। अब सीधे डेस्टिनेशन पे रुका जाए या बीच में रुकोगे कहीं पे? बीच में लंच करेंगे। लंच करोगे, ठीक है। देखिए गाइस, सरसों का खेत है, दोनों तरफ के सरसों के खेत है। एक्चुअली स्पेशली आप लोगों को दिखाने के लिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मैंने गाड़ी थोड़ी धीमे कर दिया है। तो गूगल देवी के अकॉर्डिंग तो अभी भी जो है हम लोग 5:20 में पहुंचेंगे, अगर आप लोग देखें। सो देखते हैं कितनी देर में कवर कर पाते पूरा डिस्टेंस, बने रहिए हम लोग के साथ। तो गाइस, हम लोग अब जो है ना भूख लग गई है, बहुत ही बोरिंग हाईवे है। बोरिंग हाईवे नहीं है, अच्छा ही है यार। अरे कुछ दिख ही नहीं रहा था खाने के लिए। नहीं, यहाँ पे ढाबा वाला ढाबा था यहाँ पे, तो वही तो रहेगा हाईवे पे, और क्या मिलेगा। नहीं मतलब दिखाओ ये। अच्छा, मैं दिखाता हूँ। गाइस देखिए, ये तो थोड़ा सा बड़ा ढाबा दिख रहा है, ऐसे में बहुत छोटा छोटा ढाबा दिख रहा था और बहुत तेज भूख लग गई है, 2:15 हो रहा है। तो गाइस, ऑनियन सलाद आ गया है और हम लोग ने ऑर्डर किया है
मटर पुलाव और क्या ऑर्डर किया, शाही पनीर, पहले मटर पुलाव किया था और जीरा राइस और पनीर, शाही पनीर, शाही पनीर। हाँ पहले ट्राई करके देखते हैं कैसा है। तो गाइस देखिए शाही पनीर मटर पुलाव आ गया है, जीरा राइस अभी आना बाकी। हाँ देखने में तो यम्मी लग रहा है, चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो गाइस मेरा तो खाना हो चुका है, तानिया अभी भी खा ली है, ऑलमोस्ट डन है, इवान इवान ने भी खा लिया है। तो कैसा लगा है तुमको खा के? अच्छा लगा। खाना कैसा था? हाँ मेरे हिसाब से भी ठीक ही था, मतलब भूख तो लगी थी, अब कुछ भी मिल जाए उसमें से खाना का टेस्ट, हाँ वैसे टेस्ट अच्छा था। तो चलते अब थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से और फिर फाइनली अपनी डेस्टिनेशन की ओर। गाइस खाना तो हो गया, अब निकल रहे हैं हम लोग, अभी भी 165 किलोमीटर है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हम लोग को पहुँचने में, और समझ लो ढाई घंटे। आप लोग तो गेस कर ही लियोगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं तो जल्दी से कमेंट करके हमें बता दीजिए। गाइस 200 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है और ये देखिए पास में प्यारे प्यारे शीप्स हैं। टोल रोड तो खत्म हो गई, इवान सो भी गया है और इवान भी सो गया है। कंटिन्यू ऑन नेशनल हाईवे 731 फॉर 43 किलोमीटर्स। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन बाबा की नगरी बनारस में। तो बस थोड़ी देर में हमारे दोस्त हैं यहाँ पे विभव, उसके घर पहुंचने वाले। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं विभव के यहाँ पे, विभव बेचारा आया था हम लोग को लेने के लिए, आप लोग को मिलवा दे विभव से। हेलो। तो विभव आ गया था हम लोग को पिक कर दे रास्ते में, तो आ गए इसके यहाँ पे और थोड़ा बहुत स्नैक्स भी दबा लिया है। तानी और ऋषि अंदर जा चुके हैं और मैं भी अब अंदर जाके फ्रेश होऊंगा। तो इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं, यहाँ तक देख लिया है तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना और बने रहिएगा, आगे और अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। साइनिंग आउट फ्रॉम हियर, बाय बाय।